हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइनिंग पापा, ए कंप्लीट माइनिंग वीडियोस एंड वेबसाइट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटी हॉलेज के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत ही कम बुक में इसके बारे में दिया गया है और जिनमें दिया गया है काफी शॉर्ट इन्फो दी गई है। इसी कारण बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेविटी रोप हॉलेज की डेफिनेशन, सेफ्टी डिवाइसेस, एप्लीकेबल कंडीशन और डायग्राम। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रही लाल बटन को प्रेस कर दें और बाजू में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे माइनिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट और ताजा अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरुआत करते हैं ग्रेविटी रोप हॉलेज की डेफिनेशन से। सबसे पहले ग्रेविटी रोप हॉलेज होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि माइंस में इंक्लाइन बनाकर नीचे की ओर जाया जाता है, वहां से मटेरियल को बेल्ट कन्वेयर या हॉलेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन यदि यही इंक्लाइन सरफेस से ऊपर की तरफ हो तो ग्रेविटी रोप हॉलेज में ऐसा ही होता है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो हमारा कोल डिपॉजिट है वो धरती के नीचे पाया जाता है, इसलिए इंक्लाइन हमेशा डाउन की तरफ होती है। लेकिन ग्रेविटी रोप हॉलेज में इसका विपरीत होता है, इसमें इंक्लाइन सरफेस या जमीन से ऊपर की ओर होती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोल का डिपॉजिट जमीन से ऊपर की ओर हो? तो ये बिल्कुल मुमकिन है। यदि कोल का डिपॉजिट किसी पहाड़ी में या जमीन से उठे हुए स्थान पर हो, तो ऐसे स्थान का कोल निकालने या मटेरियल निकालने के लिए ऊपर की ओर इंक्लाइन बनाई जाती है, और इसमें मटेरियल का ट्रांसपोर्ट ग्रेविटी के सहारे किया जाता है, क्योंकि मटेरियल का एक्सट्रैक्शन पॉइंट ऊपर की ओर होता है और वो ग्रेविटी के सहारे नीचे आ जाता है। तो अब समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ग्रेविटी रोप हॉलेज का उपयोग उन जगहों में होता है जहां पर लोडेड टब्स को ग्रेविटी की सहायता से उतारा जाता है, मतलब डाउन की ओर। इस सिस्टम में किसी मोटर का यूज नहीं किया जाता, अतः किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती। हॉलेज के लिए 1.2 से 2 मीटर डाया के ढलवा लोहे की घिरनी का उपयोग किया जाता है। इस पुली को जिग पुली कहते हैं। इस पुली के एक और ब्रेक पथ होता है जिस पर स्ट्रैप ब्रेक एक्टिव रहते हैं। ये हॉलेज इंक्लाइन रोडवेज के ऊपरी छोर पर लगा रहता है। एक और लोडेड टब्स लोड होते हैं और एक और एम्प्टी टब्स लगे हुए होते हैं। लोडेड टब्स नीचे आते हैं और एम्प्टी टब्स ऊपर की ओर जाते हैं और लोडिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। यही प्रोसेस चलती रहती है और ग्रेविटी के माध्यम से हॉलेज चलता रहता है। इसमें तो वैसे सिंगल ट्रैक की आवश्यकता होती है, जहां पर लोडेड टब और एम्प्टी टब क्रॉस होते हैं वहां पर दो पटरी की आवश्यकता होती है। एग्जांपल के लिए आप ट्रेन को याद कर सकते हैं, उसी तरह की प्रोसेस यहां भी काम करती है। अब ग्रेविटी रोप हॉलेज में सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या यूज होते हैं? तो इसमें होता है बैक स्टे, स्टॉप ब्लॉक, ड्रॉप वॉर वेक, बफर, जैज रेल, टब रिरेलर, कंबाइंड स्टॉप ब्लॉक एंड रन अवे स्विच, मैन होल। अब ग्रेविटी रोप हॉलेज की एप्लीकेबल कंडीशन क्या क्या है? एक समान ग्रेडियंट होना चाहिए, लोड्स के फेवर में होना चाहिए, हॉलेज रेट स्ट्रेट होना चाहिए, हॉलेज लेंथ स्मॉल होना चाहिए, और पटरी के लाइन चेक करने के लिए थियोडोलाइट का उपयोग होना चाहिए। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है इसकी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। यदि आपको ग्रेविटी रोप हॉलेज का PDF चाहिए तो आप माइनिंग पापा की वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां पे जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने माइनिंग के दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहा है लाल बटन को दबा दीजिए, बाजू में दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे माइनिंग से जुड़ी आवश्यक और ताजा अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।